रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे सैलरी टैक्स स्लैब के बारे में जी। 2020 और 21 के लिए जो टैक्स आपने, जितने सरकारी मुलाजमीन हैं, सैलरी के ऊपर जो टैक्स आपने अदा करना, उसकी मुकम्मल तफसील 2020-21 की आ चुकी है जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसकी मुकम्मल डिटेल। वो कहते हैं 6 लाख तक तो आपको नहीं कोई भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके अलावा 6 लाख से 12 लाख तक 5% है, जो एक्सीडिंग अमाउंट है वो 6 लाख है। इसी तरह 12 लाख से 18 लाख तक जो आपने 10% जो अमाउंट देना है टैक्स, और उसमें एक्सीडिंग अमाउंट है 12 लाख। इसी तरीके 12 लाख से लेकर 18, इसी तरीके से 18 से 25 लाख तक 15% टैक्स अदा करने पड़ेगा, और एक्सीडिंग अमाउंट है उसकी 18 लाख। इसी तरह 25 लाख से 30 लाख तक जो आप 35 लाख तक जो आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा 17.5%, और 25 लाख एक्सीडेंट का अमाउंट है। इस तरीके से टैक्सेबल जो इनकम जो है वो आपकी 35 से अगर 50 लाख है तो 20% टैक्स उसमें अदा करना पड़ेगा, और इसके अलावा प्लस उसमें 37,000 370,000 है, और इसके अलावा एक्सीडेंट अमाउंट इसमें 35 लाख है। इस तरह 50 से 80 के लिए भी दे दिया 22%। इसी तरह 80 से 1 करोड़ 20 तक जो है वो 25% है। 1 करोड़ 20 से 3 करोड़ तक 27,000 5% है। 3 करोड़ से 5 करोड़ तक है 30% आपको ये अमाउंट देनी पड़ेगी टैक्स है। इसी तरीके से टोटल जो इनकम टैक्स की जो डिटेल है स्लैब 2020-21 की, जो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। इसमें उन्होंने प्लस भी बताया कि जिस तरह नंबर 3 की बात करें तो उन्होंने 30,000 प्लस 10% अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी, और एक्सीडिंग अमाउंट इसकी है 18 लाख। ये आज की पूरी डिटेल और जो 2020-21 के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।